देश की आबो हवा कैसी है आजकल? तो देश जो है वो सिर्फ मानचित्र का विषय नहीं होता, वो उस देश के अंदर रहने वाले नागरिकों के मनचित्र का विषय होता है। मनचित्र के साथ साथ मंदिर मस्जिद भी होता है। बिल्कुल होता है। अभिनेता क्या आज के तस्वीर को देख पा रहा है, वो समझ पा रहा है कि देश में क्या हो रहा है? मेरा ये मानना है कि बांट दिया इस धरती को, क्या चांद सितारों का होगा, और नदियों के कुछ नाम रखे, बहती धारों का क्या होगा, और शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा, और इन फिरका परस्तों से पूछो क्या सूरज अलग बनाओगे, एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी नहीं चलाओगे, और नस्लों का करे, हम और आप सब इंसानी नस्ल के हैं, पेड़ पौधों की एक नस्ल होती है, पशु पक्षियों की एक नस्ल होती है, वैसे ही इंसानों की भी नस्ल होती है जिसको हम बांट रहे हैं, तो नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है। अब सवाल खड़ा होता है जिसका जवाब मुझे नहीं देना है, जिसका जवाब हमको और आपको स्वयं अपने आप को देना है कि नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है, और क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा था या राम ने मस्जिद तोड़ी है? क्या बात है,